हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए एक जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। ये लेडीज स्वेटर का डिज़ाइन है। आप इसमें इसको किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं, जैसे कोटी में, फुल स्वेटर में, या आप जो गर्ल्स के लिए कार्डिगन बनाते हैं या टॉप बनाते हैं उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये बनाने में भी बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं कि हमको ये बुनाई कैसे बनानी है। एक फंदा सिलाई पे ऐसे ही नॉर्मल उतार लिया और एक सीधा बिना। इस फंदे को हमने एक्स्ट्रा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बिनाई में जब आप स्वेटर सिलेंगे तो ये सिलने में चला जाएगा। उसके बाद एक जाली बनाई, दो फंदों को, ये जो दो फंदे हैं हमारे, इनको ऐसे सिलाई पे हम इनको टर्न कराएंगे, आगे को टर्न कराएंगे ऐसे। इन दोनों को आगे से एक कर दिया, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। आठ फंदे हमने सीधे बिने। इसके बाद दो फंदे इधर से, इस साइड से ऐसे नॉर्मल दो का एक करा, एक सीधा बिना, ऊन आगे किया, एक जाली बनाई, फिर ऊन आगे किया, एक जाली बनाई और इन दो फंदों को सिलाई पे ऐसे ले लिया, फिर आठ हमने सीधे बिने इसमें, आठ सीधे के बाद दो बनाए, फिर एक सीधा बनाया, ऊन आगे किया, एक जाली, एक सीधा। उल्टी सिलाई हमारी पूरी इसमें नॉर्मल उल्टी चलेगी। सीधी सिलाई में आने पे हमारे इधर से फंदे अब एक, दो और ये तीन फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। ऊन आगे किया, यहाँ पे एक जाली बनाई, इन दो फंदों को ऐसे घुमा लिया और यहाँ अब हमारे बीच के फंदे कम हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब हमारे बीच के फंदे छः बचे और इन दो का एक करना है, एक सीधा फिर एक जाली। जाली के बगल से फिर हमें दूसरी जाली बनानी है, फिर हमारी ये नेक्स्ट जाली हो जाएगी और इन दोनों फंदों को हमेशा हम जब इस साइड से बना घटाते हैं तो इनको सीधा करना पड़ता है ऐसे। उसके बाद फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। सातवें फंदे में दो एक साथ बनाए, एक सीधा, एक जाली, इधर के नौ सादे फंदे सीधे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी रहेगी। अब सीधी सिलाई में आने में हमारे इधर के फंदे, ये हमारे चार फंदे हो गए, ऊन आगे करके एक सीधा, फिर इसको इन दो फंदों को जब भी हम हर सिलाई में हमको इनको ऐसे ही टर्न कराना है, नहीं तो हमारा ये जो दो फंदे का डिज़ाइन आता है ये तिरछा सा, ये सही नहीं आएगा, इसलिए इनको हमेशा घुमाना ज़रूरी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचवे फंदे में दो एक साथ, एक सीधा, एक जाली, फिर एक जाली के बाद एक बिना, दो, तीन और ये चार। एक, दो,
तीन चार, पांचवें फंदे में दोनों एक साथ बिने, एक सीधा एक जाली, बाकी के फंदे सीधे, उल्टी सिलाई नॉर्मल पूरी उल्टी। नेक्स्ट सिलाई सीधी पे आते हैं तो हमारे इधर के फंदे एक दो तीन चार और ये पांच हो गए। फिर वैसे ही करना है, जाली बनानी है, दो का एक करना है। यहाँ के फंदे हमारे अब कम हो जाएंगे, एक दो और तीसरे फंदे को एक साथ बिनना है, एक सीधा फिर एक जाली और ये बीच के फंदे हमारे सब सीधे। ऊन आगे एक जाली, इन दो का एक करना है, एक सीधा दो सीधा और दो का एक, फिर एक जाली और लास्ट के हमारे सारे फंदे इधर के सीधे। एक दो तीन चार, चौथी जाली हमारी चल रही है। ये देखिए हमारी पूरी बिनाई है ऐसे कंप्लीट हो गई है। और इसमें अब हम जब दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर से वही रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ बिनाई की फर्स्ट रो से स्टार्ट किया है, वही चीज़ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। और इस बिनाई को बनाने में हमें 14 के मल्टीपल में फंदे डालने पड़ते हैं और एक एक फंदा हमने इधर पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो ये आप लास्ट में एक एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे और ये बिनाई आपकी बनके ऐसे आती है, वी शेप में बनती है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, हम अपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।